Hello friends, welcome to Tasty Khana. Please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. It will notify you on every new recipe. So stay updated. Hello friends, welcome to Tasty Khana. Please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. It will notify you on every new recipe. So stay updated. Hello friends, आज हम बनाएंगे लहसुन की चटनी. ये चटनी टेस्ट में थोड़ी तीखी होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है. ये चटनी महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसीलिए हम इसे वड़ा पाव चटनी भी कहते हैं. तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. चटनी बनाने के लिए हमने लिए हैं 7 से 8 लहसुन, 1.5 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 कप ड्राई रोस्टेड तिल, 1 कप नारियल का भूरा, आप चाहे तो फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं, और 1 कप ड्राई रोस्टेड पीनट्स. हमें यहाँ किसी भी प्रकार की कुकिंग नहीं करनी है, सिंपली हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है. ये देखिए ग्राइंडिंग के बाद हमारी चटनी तैयार है. हमें इसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है क्योंकि हमें इसकी पाउडर कंसिस्टेंसी चाहिए, ना कि पेस्ट कंसिस्टेंसी. अगर आप ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो इसका पेस्ट बन जाएगा. हमारी लहसुन चटनी अब तैयार है. आप भी ये सिंपल और इजी लहसुन चटनी